आज हमारे मंत्री जी ने आमरण रखा, मतलब जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा ये मरने जा रहे हैं, अपने आप को खत्म करने जा रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी से अपील है, बचा लो इनको, पहले भी 22 से 30 लोग चले गए हैं। और ये आप जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो किसानों के हितैषी थे, बड़े हितैषी थे, आज आपको क्या हो गया है? पूरे भारत का किसान रोड पर है, देश में बुरा हाल हाहाकार है, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इन किसानों की। सुनो, ये अन्नदाता है, भगवान है, अगर किसान ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहाँ रहेगा भाई? यही मेरा कहना है कि पूरे भारत का किसान जिस तरह से आज ठंड के टाइम में रोडों पर पड़ा है, इनका ध्यान करो, चुनाव छोड़ दो, बंगाल को बाद में देख लेंगे, आज किसान को बचाना हम सबका धर्म होना चाहिए। ये आपने भी कहा था, सोशल मीडिया में भी हमने देखा, और जब आप प्रधानमंत्री थे जो भी तो भी हम आपको कहते हुए देखा। आज इनको बचाना हम सबका धर्म है और हम इनके साथ खड़े हैं, पूरा भारत इनके साथ खड़ा है। आप जागो, इस काले कानून को बदल दो। जब आप इनकी हर बात मानने को तैयार हो तो क्यों नहीं इस कानून को बदल देते? इसमें कोई अहंकार या स्वाभिमान की बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज बदलाव ही इनका नियम होना चाहिए, और आप बदलाव में बड़ा विश्वास रखते हैं, आप देश के नाम बदलते हैं, आप राज्यों के नाम बदलते हैं। आज इस चौराहे का, सिंघू बॉर्डर का भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सिंह बॉर्डर नाम रख दिया जाए, क्योंकि भारत का सारा सिंह यहीं आकर बैठ गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।